असलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहली अपडेट यह है कि कुवैत में कोई भी प्रवासी अब एक से ज्यादा गाड़ी नहीं रख सकता है। ये एक नया कानून पास किया गया है जिसमें कहा यह गया है कि कुवैत के अंदर जितने भी प्रवासी रहते हैं, काम करते हैं, वो अब एक गाड़ी अपने साथ रख सकते हैं, एक गाड़ी से ज्यादा वो अपने नाम से नहीं ले सकते हैं। ये कानून इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि कुवैत के अंदर ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है, रश काफी ज्यादा रहता है, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि कुवैत के अंदर जितने भी प्रवासी रहते हैं उनको सिर्फ एक ही गाड़ी रखने के लिए अलाउ किया जाए, एक से गाड़ी उनको रखने की परमिशन ना दी जाए। तो अब कोई भी प्रवासी जो कुवैत के अंदर कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई बंदा हो, वो एक ही गाड़ी अपने साथ रख सकता है, एक गाड़ी से ज्यादा नहीं रख सकता है। इसके अलावा अपडेट यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें बताया यह जा रहा है कि कुवैत के अंदर जितने भी डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहे हैं उनके जिम्मेदारियों के बारे में उनको बताया जा रहा है कि वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं और साथ में उनके जो अधिकार हैं वो अगर उनको कफील नहीं देता है तो कहा यह जा रहा है कि वो जाकर इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री की तरफ से उनके जो भी अधिकार हैं वो दिलाए जाएंगे, यहां तक कि अगर डोमेस्टिक वर्कर अपना नकल कफाला यानी अपना ट्रांसफर लेना चाहता है तो उसको ट्रांसफर भी दिया जाएगा। अगर वो कफिल उसका उसको अधिकार नहीं दे रहा है, यानी जो डोमेस्टिक वर्कर अपने कफिल के साथ काम कर रहा है वो उसको उसका अधिकार नहीं दे रहा है तो वो जाकर मिनिस्ट्री में कंप्लेन करता है तो मिनिस्ट्री की टीमें जांच करेंगी और अगर देखा जाएगा कि वाकई में कफिल वर्कर के साथ जुर्म कर रहा है, उसके साथ जस्ती कर रहा है, उसका अधिकार उसको नहीं दे रहा है तो यहां पर कहा यह जा रहा है कि मिनिस्ट्री की टीमें जो होंगी डोमेस्टिक वर्कर को कई तरीके के ऑप्शन देंगी, यानी कि वो इससे अगर वो अपने देश जाना चाहता है तो उसको देश भी भेजा जाएगा या फिर वो किसी दूसरे जगह ट्रांसफर लेना चाहता है तो उसको ट्रांसफर भी दिया जाएगा। तो इस तरीके का कुवैत के अंदर एक अभियान चलाया जा रहा है, एक जागरूकता जो है कुवैत के अंदर फैलाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कुवैत के अंदर जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं या कफील हैं वो एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझें। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सोशल मीडिया पर 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में 3 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है जो सोशल मीडिया की मदद से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे। किस तरीके से? तो ये लोग लेडीज का अकाउंट बनाकर और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे, यानी कि लोगों को लेडीज बनकर बात करके अपने झांसे में फंसाकर और उन लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे। तो हाल ही में एक बंदे के साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ तो वो जाकर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर दिया, पुलिस में कंप्लेन कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला कि 3 लोग हैं जो इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर, लेडीज के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो इन तीनों लोगों को कुवैत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की 3 बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़।